चले। आऊं खुदावन के घर चले, जहां बरकतें मिलती हैं, जहां बरकतें मिलती हैं। आऊं खुदावन के घर चले, जहां नेमतें मिलती हैं, जहां नेमतें मिलती हैं। आऊं खुदावन के घर चले, आऊं खुदावन के घर चले। बेटे अति रूपा के नाम उते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अति रूपा ते सांझ तुआडे नाल होवे, अति तुहाडी रूह नाल भी होवे। प्रात पैनो, आज साडे ये बहुत खुशी का दिन है। आज पाक कलीसिया यूहन्ना मरिया वियानी दा पर्व मनाउंदी है। यूहन्ना मरिया वियानी बहुत खूबसूरत संत है, जिन्हां दी जिंदगी चार चीज़ां नाल भरी हुई सी। सब तो पहला यूहन्ना मरिया वियानी पाक यूकरिस्ट विच बहुत लगन रखिया सी। पाक यूकरिस्ट उन्हां दा जिंदगी का केंद्र बिंदु सी, उन्हां दा जिंदगी का जोश देने वाला, उन्हां दा जिंदगी का चलाने वाला, उनका एक कह सकते हैं उनका जिंदगी का सब कुछ पाक यूकरिस्ट सी। और दूसरा मरिया वियानी हमेशा यूकरिस्ट आराधना में दिन रात प्रभु के सामने अपने समय बिताउंदा सी। तीसरा लोकां दी पापानु प्रभु दे सामने ले जाउंदे हुए उन्हां मुक्ति देन दे लई दिन रात पाक इतराफ सुनन ली हर समय संत मरिया वियानी तैयार सी। और चौथा उनके जीवन में एक खूबसूरत साथी थी, वो है साड़ी माँ मरियम। हमेशा माँ मरियम दे नाल प्यार करदे सन, माँ मरियम उना दे नाल रहंदी सी। इतने खूबसूरत खूबियों से भरे हुए आज हमारे संत यूहन्ना मरिया वियानी दा पर्व मनाउंदे हुए असी प्रभु दे सामने आए हुए हैं। अब संत कहते हैं यूकरिस्ट हमारे जीवन देने वाला स्रोत है, जिससे राही असी अपना आनंद जीवन प्राप्त कर सकते हैं।
यूकरिस्ट हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है और जो कोई इस मिस्सा बलिदान में बार बार आउंदे हैं प्रभु ने बदन अति लहू ग्रहण कर दे ओ संध बन जाएंगे। आज इस खूबसूरत दिन विच असंध दे मध्यस्थ रागे इस यूकरिस्ट विच बड़े भक्ति दे नाल विश्वास दे नाल भाग लीजिए ताकि असी भी ओ संध वांग असी भी संध बन जाइए। कुछ देर के लिए मौन रखते हुए अपने अखां नूं बंद करते हुए सारी गलतियां नूं कमजोरियां नूं प्रभु के चरणा में समर्पण करते हुए इस मिस्सा बलिदान में इस पाक यूकरिस्ट में भाग लेने वास्ते अपने आप को तैयार करिए। मैं एक बाल करदा हम पूरी कुदरत वाली खुदा अति तुहाडे अगे ए प्राउ ते पैणो कि मैं सोचन नाल बोलन नाल करन नाल अति अपने कर्तव्य छड़न नाल बहुत गुनाह कीते अपने ही दोष दे नाल अपने ही दोष दे नाल अपने बहुत बड़े दोष दे नाल इसलिए मैं तन सदा कुआरी मरियम सारे फरिश्तियां अति संता अति तुहाडे अगे ए प्राउ ते पैणो बेनती करता हाँ कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साढ़े उत्ते दया करे साढ़े गुनाहां नूं माफ करके सानू सदीवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर हे मसीहा दया कर ए मसीहा दया कर हे प्रभु दया कर ए प्रभु दया कर असी प्रार्थना करिए। हे पूरी कुदरत वाले अति मेहरबान खुदा संत यूहन्ना वियानी विच तू सानू एक महान पुरोहिता अनमोल तोहफा दिता है जो अपने लोगों की सेवा लई पूरी तरह महसूस किया गया सी उसे सिफारिश अति नमूने दे रागी बख्श दे कि असी भी मसीह लई अपने पैन प्रावां नूं जितन वास्ते अपना जीवन सौंप देइए अति उना नाल ना मुक्कन वाली खुशी का आनंद मनाए साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राही जो तेरे नाल रूपात्मकता विच एक खुदा जीवंदा अते राज करदा है सदा तुम सदा तिकर। आमीन। लेविया दे ग्रंथ विचों पाठ उस दा 23 बाब 1 4 तो 11 15 तो 16 27 अते 34 तो 37 है। प्रभु ने मूसा नाल गल्लां करदियां आख्या ए प्रभु दे निर्धारित त्यौहार यानी पवित्र इकट्ठ हन जिन्हां दी तुसी इन्हां लई निश्चित समय ते घोषणा करना पहले महीने विच महीने दे 14वें दिन दी शाम प्रभु दा पासका है अते इसे महीने दे 15वें दिन प्रभु दा बेखमीरी रोटी दा त्यौहार है 7 दिन तुसी बेखमीरी रोटी खाना पहले दिन तुसी एक पवित्र इकट्ठ करना तुसी कोई मेहनत वाला काम ना करना पर तुसी 7 दिन प्रभु सामने अग द्वारा बलि चढ़ाउणा 7वें दिन पवित्र इकट्ठ होवेगा तुसी कोई मेहनत वाला काम ना करना। अते प्रभु ने मूसा नाल गल्लां करदिया आख्या इजराइली लोकां नूं कह जदों तुसी उस धरती ते पहुँच जावो जो मैं तुहानू दे रहा हाँ अते इस दी फसल वड्डो तां तुसी अपने फसल दे पहले फलां दी परी काहिन कोल ल्यावणा अते ओह परी नू प्रभु अगे हुलारे
ता जो तुहाडे लई कबूल होवे। काहिन इस नू सबत दे अगले दिन हुलारे अते सबत दी अगली सवेर तो जिस दिन तुसी बुलंद कुर्बानी लई परी लियाउणा तुसी पूरे 7 हफ्ते गिनना। 7वें सबत दी अगली सवेर तक 50 दिन गिन लेना। तद तुसी 9 दाणियां दी अनाज पेटा प्रभु अगे लियाउणा। नाले इसे 7वें महीने दे 10वें दिन कफारे दा दिन है। यह तुहाडे लई पवित्र इकट्ठ दा समा होवेगा। तुसी अपने आप नू निवा करना अते प्रभु सामने अग द्वारा बलि लियाउणा। इजराइली लोकां नू कह इसे 7वें महीने दे 15वें दिन 7 दिनां तक प्रभु दा तंबुआं दा त्यौहार है। पहले दिन एक पवित्र इकट्ठ होवेगा। तुसी कोई मेहनत वाला काम ना करना। 7 दिन तुसी प्रभु सामने अग द्वारा बलियां लियाउणा। 8वें दिन तुसी एक पवित्र इकट्ठ करना अते प्रभु सामने अग द्वारा एक पेट चढ़ाउणा। यह एक अहम इकट्ठ है। तुसी कोई मेहनत वाला काम ना करना। यह प्रभु दे निर्धारित त्यौहार हैं जो तुसी पवित्र इकट्ठ दे समया वजों कोशित करना कि प्रभु सामने अग द्वारा बलियां होम बलियां अते अनाज पेटा कुर्बानिया अते पीण पेटा उन्हां दे मिथे होए दिन चढ़ाओ। यह प्रभु दी वाणी है। खुदा दा शुक्र होवे।
प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजिल संत मती दे अनुसार तेरी वडियाई होवे ऐ रब्बा। मती दे अंजिल तेरा बाप 54 तो 58 आयत। वो अपने शहर विच आया अते उनां दे सिनेगॉग विच सिक्किया दित्ती, जिस तो लोग हैरान होए अते कहन लगे, इस आत्मी नूं एक ज्ञान कितों मिलिया अते ए महान कम किवें करदा है, कि ये तरखान दा पुत्र नहीं है, कि इसकी माँ दा नाम मरियम नहीं, कि इस दे प्रा याकूब ते यूसुफ अते सिमोन ते यहूदा नहीं हैं, कि इस दिया सब पैनाम इते साढ़े कोल नहीं हैं, फिर ये सब इसनु कितों मिलिया। उन्होंने उसते सबब ठोकर खा दी, पर यीशु ने उन्होंने कहा, नबी का निरादर नहीं हुंदा सिवाय उसते अपने देश अते अपने ही घर विच। उसने लोकां दी निशानता कारण उत्ते बहुते चमत्कार न कीते। हे प्रभु दे पाक अंजील, तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। मसीह विच प्राओ ते पैणो, जेकर असी मती दे तेरा बाप नू शुरू तो वेखेंगे, सानू पता चलूगा प्रभु गलील ते कंडे उत्ते लोकां नू प्रचार करदे हुए तमसील दे रूप विच प्रचार करदे हन। आठ दे पाठ दे पहले सी देखांगे, सात प्रकार दे तमसील दे राही प्रभु येसु नू लोकां नू समझाउंदे हन अते अपने शिष्य नू भी सिखाउंदे हन। ये बहुत खुशी की बात है, जदों येसु लोकां नू समझाउन बाद स्वयं अपने शहर यानी नासरेवित आउंदे हन। जदों कोई प्रमुख व्यक्ति साढ़े पिंड विच आउंदे हैं और अपना है तो सानू बहुत खुशी हुंदी है, लेकिन नासरेत लोग जिन्हां नू बहुत खुशी होना चाहिदा है कि साढ़े विचकार साढ़े पुत्र साढ़े पिंड तो साढ़े शहर तो प्रभु येसु ईश्वर का पुत्र साढ़े कोल आया है, बड़े खुशी दे नाल उन्होंने स्वागत करना चाहिए सी, बल्कि ऐसा नहीं होया। लोग खुशी दे मारे चिल्लाना चाहिए सी, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रभु ते प्रश्न करने लग गए हैं। असी तो इन्हों जानते हैं, ये तो साढ़े वर्गा है, साढ़े पिंड दे बेटा है, साढ़े इन्हां दे माँ बाप नूं असीं जानते हैं, इन्हां दे भरा ते भैण साढ़े नाल रहिंदे हैं। इस प्रकार प्रभु येसु नूं मुखाल करते हुए उन्हां नूं नहीं सुनिया। नासरेत लोकां दे लई बहुत सुनहरा अवसर सी प्रभु येसु नूं सुनण दे लई, प्रभु येसु उत्ते तुर पैण दे लई, प्रभु येसु अगे सिक्किया सिखाउण लई, प्रभु येसु उत्ते बीमारियां दी चंगाई होण दे लई ये बहुत सुनहरा मौका सी, लेकिन उन्होंने ये मौका खो दिता सी, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने बहुत बड़ा एक चांस उन्होंने खो दिया है। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहते हैं, इन्हों क्यों क्यों मिला है, इन्होंने महान कम क्यों करदा है, इन्हों ज्ञान कितों मिलिया है, ये भी मन लेते हैं कि साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ा विद्वान है, इनके ज्ञान बहुत अपार है, ये बहुत बड़ा चमत्कार करता है। ये सब जानते हुए भी नासरेत के शहर के लोग
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਸੇਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, US ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੇਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਸੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਸੂਲ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਮੀਓ ਕੇ ਪੱਤਰ 10:15 ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿੰਨੇ ਸੋਨੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿੰਨੇ ਸੋਨੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੇ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਹਾਓ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਰ ਦ ਫੀਟ ਦੋਸ ਹੂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਦ ਗੋਸਪਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿੰਨੇ ਸੋਨੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯੋਹਨ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, 11:12, ਜਦੋਂ ਮਾਰਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੰਗੋਗੇ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਵੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸੂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਤਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹੀ ਯੋਹੰਨਾ ਅੰਜਿਲ 11:40 ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖੇਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਵੰਡਰਸ ਦ ਲਾਰਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਇਹਦੀ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਨੇਚਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
इसलिए बाइबल में कई बार असी सुन सकते हैं, तुम्हारे ईमान तुम्हारे विश्वास तुहानू चंगा कीता है, पुत्र पुत्री जाओ शांति नाल जाओ, तुसे चंगे हो गए हो, विश्वास दे नाल तुसे आए हो, विश्वास दे नाल जाओ तुसे चंगे हो जाओगे। आज इस अंजील दे रागे सानू सिक्कियां मिली हैं, असी नासरेत लोक वांग नहीं, सुनते हुए भी समझते हुए भी देखते हुए भी विश्वास नहीं कीते सन, लेकिन असी विश्वास दे नाल प्रभु दे के अपने आप नू समर्पण करना चाहिदा है, ताकि प्रभु सानू अपने खूबसूरत विश्वास दे नाल चंगाई दे सके, उना दे खूबसूरत वचन दे नाल जीवन देने वाले वचन दे नाल सानू चंगाई दे सके। आज प्रभु यीशु सानू पुकार रहे हैं, तो तुसे विश्वास रखो और तुसे मेरी महिमा देख सकते हो। आमीन। प्रार्थना करो कि पूरी कुदरत वाला खुदा इस कुर्बानी नु परवान करे। रब इस कुर्बानी नु तुहाडे हत्थां दे विचों अपने नाम दे उस्ते ते बड़ियाई लई नारे साडे ते सारे पवित्र कलीसिया दे लाभ दे लई कबूल करे। हे प्रभु, संत यूहन्ना वियानी दे ई दे मौके ते तेनु चढ़ाए इना तोहफियां नु कबूल कर, ए तेरे नाम दी वड़ियाई करन अते साड़े लिए माफी अते शांति ले आवन, साड़े प्रभु मसीह दे राखे। आमीन। रब तुआडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। तुसी अपने दिल प्रभु वल लगाओ। असी अपने दिल प्रभु वल लगांदे हां। असी अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए, एह सही अते योग्य है। हे प्रभु पवित्र बाप, पूरी कुदरत वाले अते काल खुदा, ए सचमुच सही अते योग है, मुक्ति पाउन दा राह है, कि असि हर वेले अते हर ताम यीशु मसीह अपने प्रभु दे राहे तेरा धन्नवाद करिए। अज दे दिन तू कलीसिया नू संत यूहन्ना मरिया वियानी दी याद विच खुशी दिंदा है, उसे नेक अते पवित्र जीवन राहे तू सानू प्रेरणा दिंदा है, अते उसे प्रचार राहे सानू सिक्किया दिंदा है, उसी प्रार्थना दे जवाब वजो तू साड़ी मदद अते रखवाली करदा है, इसलिए असी स्वर्ग दे फरिश्तियां ते संतां दे थानियां दे नाल रल के तेरी शान दे गीत गाउंदे होए असी पुकार दे हां। पाक 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 लश्करां दे प्रभु खुदा, स्वर्ग अते धरती तेरे जलाल नाल भरपूर हन, उचाइयां विच होसाना, मुबारक है ओ जो प्रभु दे नाम उत्ते आउंदा है, उचाइयां विच होसाना।
हे प्रभु तू सचमुच पाक है अते सब पवित्र दादा सोमा है। इसलिए असी बेनती करते हैं कि जिस तरह तरेल पैंदी है उसी तरह तू अपनी रूपाक बेच के इन नजरिया पवित्र कर ता जो ये साढ़े लिए साढ़े प्रभु यीशु मसीह का बदन अति लघु बन जावे। उसने अपनी मर्जी नाल अपने आप नु दुख तसियां लई सौंपते हुए रोटी लई धन्यवाद कर दिया रोटी तोड़ी अते अपने चेलियां नु दित्ती ये कहंदे हुए तुसी सारे लवो अते इस विचों खाओ क्यों जो ये मेरा बदन है जेड़ा तुआड़ लई कुर्बान कीता जावेगा। इसी तरह भोजन करण तो बाद उसने प्याला लिया एक बार फिर धन्यवाद कर दिया प्याला अपने चेलियां नूं दिता ये कहंदे हुए तुसी सारे लवो अते इस विचों पीवो क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है नवे अते सदवी नीम दा लहू जो तुहाड़े अते बहुतियां वास्ते गुनाहां दे माफ़ लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच ये करिया करो। ईमान दा पेद ए प्रभु असी तेरी मौत दा ऐलान करदे हां अते तेरे जी उठन दी मुनादी करदे हां जद तक तू फिर आवेगा। हे प्रभु असी इस मसीह दी मौत अते उस दे जी उठन दी याद कारण मनाउंदे होए तेनु जीवन दी रोटी अते मुक्ति दा प्याला चढ़ाउंदे हां। असी तेरा धन्यवाद करदे हां क्यों जो तू सानू योग ठहराई है कि असी तेरे हजूरी विच दाखिल होके तेरी सेवा करिए। असी अलीमी नाल दुआ करते हैं कि मसीह दे बदन अते लहू विच हिस्सा लेने द्वारा असी रूप पाक तेरा के एकता विच बनजे रहिए। हे प्रभु सारी धरती उत्ती फैली हुई अपने कलीसिया नू याद कर अते उस नू साढ़े संत पापा फ्रांसिस सारे बिशप इग्नेशियस सारे बिशपगण सारे पुरोहितां नाल प्यार दी संपूर्णता विच कायम रख। इस समय साढ़े संत योहन्ना मरिया वियाने दे मध्यस्था राही उन्हां सारिआं दे लई असीं प्रार्थना करदे हां जिन्ने भी लोग इस समय इस टेलीकास्ट नूं देखते हैं जिन्ने लोग बड़े भक्ति दे नाल मिस्सा बलिदान में भाग लेंदे हैं जिन्हें भी लोग बड़े भरोसे दे नाल इस अलतार दे उन्हां दे लई उन्हां दी जरूरतां नूं उन्हां दी प्रार्थनावां नूं उन्हां दी संगत नूं इस अलतार विच रखण दे लई सानू कहा है। हे दयालु पिता उन्हां सारिआं नूं आशीष प्रदान कर इस समय सारे संसार दे लई शांति अमन दे लई असीं प्रार्थना करदे हां। इत्थे इकट्ठे होए सारे लोकां दे लई जिन्हें भी लोग टीवी द्वारा टेलीकास्ट द्वारा इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं प्रभु ना सारिया ने इस समय बरकत नाल आशीष नाल माला माल के साढ़े पैना प्रावन भी याद के जिड़े जी उठन की उम्मीद नाल सो गए हैं अते उन्हें सारिया भी जो तेरे रहम विच मर गए हैं इन्हों का तू अपनी हजूरी दे विच आणन भी स्वागत कर। हे प्रभु असी बेनती करते हैं साढ़े सारे उत्ते विधेय आ के ता जो तन्नु कुमारी मरियम खुदा दी मां दे नाल
कुमारी दे मुबारक वह संत यूसुफ दे नाल तनु रसूलां ते सारे संतां नाल सारे युगां विच तैनू खुश कीता है। असीं सदीवी जीवन दे वारिस होण दे हकदार बन जावांगे। तेरे बेटे यीशु मसीह दे राही तेरी वडियाई अते उस्तत करांगे। उसने आगे अते उसने नाल अते उसने भी हे खुदा पूरी कुदरत वाले भाव रूपाक्ति एकता में सब जलालते वड़ी आई तेरी ही है। सदा तुम सदा तीक जदों असी मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, अनगिनित स्वरदूतों अनगिनित संतों साढ़े नाल इस मिसा बलिदान में प्रभु दे नाल एकजुट होकर आराधना करते हैं। उन्हां दे नाल मिलके असी भी वही प्रार्थना दोहराएं साढ़े प्रभु यीशु सानू सिखाए हैं। हे साढ़े बाप जिहड़ा आसमान उत्ते है, तेरा नाम पाक मन्निया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे। साडे रोज रोटी आज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूरां नूं माफ करदे हां, सानू अजमाइश विच ना पा सगों बुराई तों बचा। आमीन। हे प्रभु असीं प्रार्थना करदे हां सब बुराई तों सानू बचा, अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे तां जो तेरी दया दी मदद नाल असी हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए, हते हर मुसीबत तो सुरक्षित रहिए। जिवें मुबारक उम्मीद रखते हुए असी इस मसीह साढ़े मुक्ति दाते ते आउण दी उड़ीक करदे हां, क्योंकि राज कुदरत ते कलाम युग युग तेरा ही है। हे प्रभु इस मसीह तू अपने रसूलां नूं आके मैं तुहानूं शांति दिंदा हां, अपनी शांति मैं तुहानूं प्रदान करदा हां। तू साढ़े गुनाहां नूं नहीं सहो अपनी कलीसिया दे ईमान नूं वी अते उसने अपनी मर्जी मुताबिक शांति अते एकता प्रदान कर। तू जो जीवन दाते राज करता है सदा तुम सदा ती कर। आमीन। प्रभु दी शांति तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी नूं नाल भी होवे। असी आप भी शांता निशान देईए। ਅਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਅਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਅਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੀਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ जिड़ा संसार दे गुनाहां नूं चुक लैंदा है, अपने जीवन देने वाला शब्द रागी सानू चंगाई देने वाला प्रभु, अपने जीवन देने वाले शब्द रागी माफी देने वाला प्रभु, आनंद जीवन देने वाला प्रभु, तन है वो जिड़े इस लेले दे पोज ले सत्य गए हैं। ए प्रभु मैं इस योग नहीं हां कि तू मेरी छत ले आवे, पर एक शब्द ता मेरी रूह चंगी हो जावेगी। Yes।
प्रभु कहिंदा है, तुसी मैनू नहीं चुनिया सगों मैं तुहानू चुनिया है अते नियुक्त कीता है कि तुसी जाओ अते फल पैदा करो अते तुआड़ा फल कायम रहे। असी प्रार्थना करिए, हे प्रभु सदीवी जीवन दे इस पोज दे रागी साढ़े ईमान नू मजबूत कर। संत यूहन्ना बयानी दे नमूने उते चल के असी उस सच्चाई दा ऐलान करिए जिसनु उसने मन्निया अते नेक कम्मा नाल उसकी सिक्ख्या दी गवाही देई साढ़े प्रभु मसीह दे रागी। आमीन। प्रार्थना पेनो आज विशेष रूप से यूहन्ना मरिया बयानी दा पर्व है, सभी पुरोहितां दा पर्व है। तुसी सारे अपने अपने पुरोहित नूं मुबारकबाद देना, विश करना, उन्हां दे लई प्रार्थना करना, उन्हां नूं भी बहुत अच्छा लगेगा कि सानूं भी कोई प्यार करता है, सानूं भी कोई पूछता है, सानूं भी हाल चाल पूछ लेंदा है। इसलिए याद रखना आज जरूर अपने पैरिश प्रेस असिस्टेंट जो भी हैं अपने पैरिश में जिन्हें भी लोग हैं उन्होंने जाकर मुबारकबाद देते हुए उन्होंने प्रार्थना करना और उन्होंने सामने जाकर आशीष मांगना, क्योंकि आज बहुत बड़ा महान संत का त्यौहार है यूहन्ना मरिया बयानी। और मरिया बयानी सारे परिवार को आशीष दें, तुसी सारिया नु आशीष दें, यूकरिस्ट के बल पर अपना जीवन बिताए, असी भी इस यूकरिस्ट के बल पर जीवन बिताएंगे। रब तुआड़े नाल होवे अते तुहाड़ी रूह नाल भी होवे। सर्वशक्तिमान खुदा बाप अते बेटे अते रूह पाक तुहानु आशीर्वाद देवे। आमीन। मसीह दी शांति वे जाइए। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर, याद कर निहायत मेहरबान कुआरी मरियम, पाई कदी नहीं सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदिया, तेरी मदद चाहुंदिया, तेरी सिफारिश मांगदिया, ते तो काले गया होवे। ए कुआरी कुआरियां दी अते मेरी मां, इस तसली नाल मैं तेरे को चाहुंदा हां, तेरे के कलोक के मैं रूहानी रोंदा हां। हे देदाई कलाम दी मां, मेरे जानो की न जान, सो मेरबान नाल सुन अते कबूल कर। आमीन।